पोको F1 के लिए प्रोजेक्ट जाइफरस रोम का जो है फर्स्ट ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 बिल्ड आया है और QPR 3 पे बेस्ड मिलेगा, एंड्रॉयड 13 QPR 3 पे। और यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ, फीचर्स बग जैसे भी हैं, बाकी इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। सिस्टम EXT रोम है और रिकवरी रिकमेंडेड हो हमेशा डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, इंस्टॉलेशन भी है तो आपको मिलेगा। बाकी इस रोम में किस तरीके के फीचर्स, कस्टमाइजेशन जो है, परफॉर्मेंस कैसा, बैटरी बैकअप कैसा है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट रिव्यू रहेगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जाइफरस का 13.8 का ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 बिल्ड है, QPR 3 पे बेस्ड। सिक्योरिटी पैच 5 जुलाई 2023 का है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 फरवरी 2023 का। कर्नल यहाँ पे एटोमैक्स देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके QS पैनल के बारे में, तो ऐसे तो आपका काफ़ी स्मूथ मिल जाता है QS पैनल, पूरा बाय डिफॉल्ट डार्क में आता है। इंटरनेट टाइल पे हॉटस्पॉट मिल जाता है एंड ब्लूटूथ टाइल पे आपको जो है पॉपअप सेटिंग मिलेगा, सिंगल टैप पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का रहेगा। एडवांस रिबूट मिल जाता है तो इसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस रिबूट है यहाँ पे। और एडिट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारे टाइल्स भी देखने को हमें मिल जाते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले हो गया, फॉन्ट साइज़ का हो गया, तो ये सब भी है। AOD का देखने को मिल जाएगा, प्रेफर नेटवर्क का भी है। तो बाकी साइड में नीचे डाटा यूजर्स भी मिल ही जाता है। और ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, HEVC स्किप टाइमर जो है देखने को मिलेगा, लेटेस्ट सारे ऑप्शंस मोस्टली मिल ही जाते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में ज़रूर आपको लाइट जिटर देखने को मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ है भी नहीं है, काफ़ी लाइट सा सिर्फ रहता है। वॉल्यूम पैनल आप यहाँ पे एक्सपेंड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है, बस कुछ थोड़े से जो हैवी एप्लीकेशन होते हैं उनके अंदर आपको काफ़ी लाइट सा जिटर मिल सकता है, बाकी आपका स्मूथ रहेगा। एंड स्क्रीन शॉट कैप्चर करते हो यहाँ पे तो इसके अंदर आपको जो है डिलीट लेंस मिल जाएगा। और एडिट के अंदर जाओगे तो QPR 3 है, तब लेटेस्ट ब्रश पे कलर आपका जो सेलेक्ट करोगे वो कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है रहने वाली हैं। और रिसेंट पे ऐसे सेलेक्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि काम करता है। और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, बाकी फ्री फॉर्म विंडो जो है बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, जो कि डेवलपर ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा। और कैमरा यहाँ पे अपर्चर का है जिसमें आप 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, FPS आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। बाकी GCam मैनुअली आपको इंस्टॉल करना होगा, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, अच्छे तरीके से काम कर जा रहा है। और FM इसके अंदर नहीं मिलता, बाकी वाइडबैंड L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और गैलरी की बात करें तो प्री इंस्टॉल जो है गूगल फोटो का ही गैलरी देखने को मिलता है, और यहाँ पे गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज भी हमें देखने को मिल जाता है, तो इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। और प्ले स्टोर सर्टिफाइड आता है तो सेफ्टी नेट भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पास ही है, तो बैंकिंग ऐप भी आप आराम से विदाउट रूट यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और वॉलपेपर स्टाइल बिल्कुल लेटेस्ट वाला है जो कि QPR 3 में देखने को मिलता है इस तरीके का। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का अलग है, बाकी वॉलपेपर कलर बेसिक कलर आप अदर कलर जो मिल जाएगा, डार्क थीम भी इसी में है। और वॉलपेपर कोई भी अगर आप सेट करते हो तो इसके अंदर प्रीव्यू अब आपको फुल स्क्रीन पे देखने को जैसे कि लेटेस्ट में मिलता है वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर आई बटन भी दिया गया वॉलपेपर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये फिलहाल आपको यहाँ पे लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। अभी जो वॉलपेपर सेट है ये इसके साथ डिफॉल्ट में ही आता है। एंड थीम आइकन है यहीं पर, अपग्रेड भी देखने को ये कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। लॉकिंग के अंदर यहाँ पे आते हैं तो लॉकिंग शॉर्टकट आपको मिलेगा जो कि प्रीव्यू मिल जाता है, अच्छे तरीके से ऐड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लॉकिंग क्लॉक का कलर एंड साइज़ का मिल जाता है, तो यहाँ से कलर आप जो है यहाँ पे आप लगा पाओगे, ऑपेसिटी कम ज़्यादा कर पाओगे। और साइज है जिसमें स्मॉल और डायनमिक है, डायनमिक पे आपका कंटेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग उसके एडजस्ट कर जाएगा, क्लॉक जैसा भी रहेगा कंटेंट लॉक स्क्रीन पे। बाकी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर पाओगे, मोर ऑप्शन जो डिस्प्ले के अंदर लॉक स्क्रीन मिलता है वो है ये, जो कि यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे भी आपको डिसेबल QS पुल डाउन मिल जाएगा, पल्स का ऑप्शन मिल जाता है, सो मीडिया आर्ट मिल जाता है, नाउ प्लेइंग है, ऑलवेज सो टाइम एंड इन्फो भी देखने को मिल जाता है जो कि काम कर रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे फिर रिपल इफेक्ट है जिससे फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आप ऑन ऑफ कर पाओगे, एम्बिएंट डिस्प्ले है, बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन के भी ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले इसके अंदर, यहाँ से भी आप एक्सेस जैसे कि वॉलपेपर स्टाइल से भी कर पाओगे। लॉन्चर इसके अंदर पिक्सल लॉन्चर दिया गया है, तो ये रहेगा सिंपल सा। बाकी यहाँ पे कॉलिंग की अगर बात करें तो कैरियर वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग है, Jio कॉल किया वीडियो कॉल काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग भी वर्किंग ही है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग है, कॉल रिकॉर्डिंग मिला है इसके अंदर है बट अलर्ट कर देता है। और यहाँ पे अगर ब्लूटूथ डिवाइस की बात करें तो मीडिया कॉलिंग दोनों पे ऑडियो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और नेटवर्क इंटरनेट के अंदर जाते हैं यहाँ पे सिम के अंदर तो प्रेफर नेटवर्क जैसे कि 3G और 4G का हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वाईफाई कॉलिंग की अगर बात करें तो काम कर रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हॉटस्पॉट अगर आप यूज़ करते हो तो हॉटस्पॉट भी यूज़ कर पाओगे, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट भी, कोई दिक्कत नहीं है।
और नीचे यहाँ पे जो है प्राइवेट डीएनएस आपका नॉर्मल रहेगा, बट यहीं पे 100 4G आइकन है, 100 वाईफाई टाइप आइकन है, 100 डाटा यूजर्स भी है, ओल्ड स्टाइल मोबाइल डाटा आइकन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, ये सब आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर ब्लूटूथ टाइम आउट है और वाईफाई के अंदर भी आपको वाईफाई के अंदर भी टाइम आउट इस तरीके का मिलेगा। बाकी कास्ट इसका वर्किंग रहने वाला है, कास्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं, कास्ट अच्छे तरीके से काम करता है। और ऐप्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे फिर इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है, जिससे स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिमिट्स को सभी ऐप से आप रिमूव कर सकते हो, तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी फिर वही लॉन्चर आपको जैसे कि बताया पिक्सल लॉन्चर है। नोटिफिकेशन के अंदर भी काफ़ी सेटिंग्स मिलती है इसके अंदर में, जैसे कि आपको स्मॉल लैंडस्केप नोटिफिकेशन, हेडसअप नोटिफिकेशन की सेटिंग्स यहीं पर मिल जाता है, तो यहीं पर रहेगा। बाकी एज लाइटिंग का भी यहीं पर मिल जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब हो गया तो ये सब आपको मिलेगा, ब्लिंक लाइट। और बैटरी के अंदर जाएंगे तो थर्मल प्रोफाइल देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ से थर्मल प्रोफाइल चेंज कर पाओगे। बैटरी यूजर्स मिल जाता है, ESP वाला ही ग्राफ है, और यहाँ से 24 आवर वाला भी यूनिवल कर पाओगे जो कि पिक्सल का। बैटरी सेवर भी है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, अडिप्टिव प्रेफरेंसेस है, बैटरी आइकन है जो कि यहाँ से चेंज कर पाओगे बैटरी स्टाइल, और बैटरी टेम्परेचर है। बाकी चार्ज लगाओगे आप जैसे कि QPR3 में लेटेस्ट में एनिमेशन मिलता है स्टेटस बार पे, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। स्क्रीन पे वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वो दे दूंगा मैं आपको, ताकि आप देख सको। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पे फिर आते हैं तो मल्टीपल सिम पेयरिंग टोन आप लगा पाओगे, अडिप्टिव प्लेबैक है, लाइव कैप्शन नाउ प्लेइंग है, मीडिया लेआउट लेटेस्ट रहेगा, और वाइब्रेशन हैप्टिक बिल्कुल काम कर रहा है। और इसी में आपको जो है सिस्टम स्लाइडर भी है, QoS स्टाइल हैप्टिक भी है, फेस अनलॉक वाइब्रेशन भी, और फिंगरप्रिंट अनलॉक वाइब्रेशन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। मीडिया वाइब्रेशन ये सब भी, टच वाइब्रेशन भी वहीं पे है। फिर नीचे यहाँ पे बाकी के साउंड के हैं, लेफ्ट वॉल्यूम डायलॉग मिल जाता है, वाइब्रेट टू इंडिकेट कॉल स्टेटस है, साइलेंट मीडिया म्यूट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है इसके अंदर भी आपको। यहाँ पे जो है पल्स वॉल्यूम पैनल भी देखने को मिलेगा, डोंट रिज्यूम मीडिया आफ्टर अनम्यूट, ये सब चीज़ें मिलेंगी। और MI साउंड एनहेंसर बिल्कुल काम करता है इसके अंदर में, प्रीसेट्स भी लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं, और क्लियर स्पीकर भी लास्ट में मिल जाता है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे इसके डिस्प्ले की तरफ, तो डिस्प्ले के अंदर अडिप्टिव ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस कंट्रोल जेस्चर भी मिलता है जिसमें डिसेबल स्टेटस और ब्राइटनेस कंट्रोल इन लैंडस्केप मोड भी मिल जाता है। और यहाँ पे ब्राइटनेस लैडर की सेटिंग्स मिल जाती है, ऑटो ब्राइटनेस आइकन भी है, एक्स्ट्रा डिम भी है, और लॉकिंग ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ। बाकी यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट जो दिया गया है वो 2 मिनट का बाय डिफॉल्ट रहता है, तो अपने हिसाब से सेट कर लेना। डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है लॉकिंग के लिए, और यहाँ पे डार्क थीम दिया गया है। नीचे फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है नाइट लाइट और कलर्स के ऑप्शन जो कि काम कर रहे हैं। स्टेटस बार आइटम्स मिल जाते हैं इसी के अंदर, आपको वॉल्ट आइकन मिलेगा, एंड नीचे भी प्राइवेसी इंडिकेटर है, माइक इन कैमरा लोकेशन और मीडिया का मिल जाएगा। सिक्योर QoS स्टाइल का भी ऑप्शन दिया गया है, बाकी ब्लूटूथ डायलॉग का मिल जाएगा, और स्टेटस बार के लिए भी डबल टैप स्लीप मिल जाएगा। रोटेशन के अंदर वैसे आपको मोड्स अभी नहीं मिलते, फुल स्क्रीन ऐप्स है, बैक एंड प्लग मिल, पॉकेट डिटेक्शन मिल जाएगा, डबल टैप टू बैक है, और अम्बिन डिस्प्ले का ऑप्शन वो हमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि डिस्प्ले के अंदर मूव है। बाकी सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाता है, और मोर में जाते हो इसे रोम ये इंक्रिप्टेड आता है, मैं डिक्रिप्ट करके यूज़ करूँ बट बाय डिफॉल्ट ये इंक्रिप्टेड आता है। और पैटर्न साइज इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, बाकी मैं यहाँ पे पिन ऐड करता हूँ और इसके आगे जो भी हमें देखने को मिलेगा मैं आगे आपको सेटिंग में दिखाऊंगा। उससे पहले आप फिंगरप्रिंट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, एनिमेशन ऑफ करके रखा हूँ, और जो फेस अनलॉक है आईआर फेस अनलॉक है ये भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो स्क्रैम्बल आउट नहीं मिलता, बट इनहैंड पिन प्राइवेसी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो आपको मिलेगा। इससे जैसे कि एनिमेशन डिसेबल हो जाता है नंबर एंटर करते टाइम, यहाँ पे जो है आप देखोगे तो एनिमेशन डिसेबल है, ऊपर भी नंबर हाइड ही रहता है। बाकी क्विक अनलॉक आपका इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही अनलॉक इनेबल है, तो ये चीज़ें रहने वाली है। और कुछ फिलहाल यहाँ पे सिक्योरिटी पे हमें देखने को नहीं मिलता है। और बात करते हैं यहाँ पे हम सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर ऐप लैंग्वेज में जाते हैं तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन इसके अंदर सपोर्टेड है, मेरे हिसाब से इसी रोम में इतने सपोर्टेड हैं, नहीं तो ज़्यादातर में 2, 4, 5 इसी तरीके से रहते हैं। क्विक टैप भी यहाँ पे मिल जाता है जेस्चर के अंदर में, यानी कि बैक टैप वाला जो कि जेस्चर वो आपको मिलेगा। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट भी है, सिस्टम नेविगेशन है जिसमें जेस्चर के अंदर इमर्सिव जेस्चर है, बैक जेस्चर एरो है एनिमेशन का यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए, बट यहाँ पे जो बैक जेस्चर अभी फिलहाल पहले स्टाइल में मिलता, अभी न्यू वाला देखने को नहीं मिलता। हैप्टिक फीडबैक भी है, पिल लेंथ है, पिल रेडियस भी कंट्रोल कर पाओगे, तो ये सब भी आपको मिलता है। बाकी 2 बटन 3 बटन नेविगेशन मिल जाता है इसके अंदर में, और 3 बटन नेविगेशन पे होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन नहीं है, बाकी जेस्चर और बटन दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं। बाहर भी प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मिल जाएगा, क्विक टॉर्च मिल जाता है इसी के अंदर, आपको इसे एडवांस रिबूट में मिलेगा प्रेस एंड होल्ड पावर बटन में। USB कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, नीचे फिर सिस्टम अपडेटर दिया गया है। बाकी यहाँ पे डबल पावर ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ और देखते हैं हाइड नोच है कि नहीं है इसके अंदर में, तो अभी मैं यहाँ पे जो है इनेबल कर लिया। और चलते इसके अंदर डिस्प्ले कटआउट के अंदर में, तो यहाँ पे देखते हैं डिस्प्ले कटआउट जो है हमें यहाँ पे नीचे में कहीं पे देखने को मिलेगा इस जगह, तो यहाँ पे देखोगे तो अभी फिलहाल तो हाइड नोच नहीं मिलता है, तो हाइड नोच बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है अभी।
और अब बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 88% जो है बैटरी हमें इसके अंदर देखने को मिली है। और चार्जिंग देखोगे तो यहाँ पे 44% से 79% यानी कि 35% चार्ज होने में 34 मिनट लगा, वहीं लास्ट के 22% चार्ज होने में 1 आवर 7 मिनट का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। और बैटरी ड्रेन में यहाँ पे जो है 2% की ड्रेनिंग मिला, नाइट में 60% था, मॉर्निंग में सब 58% देखने को मिला था। और एंटूटी स्कोर देखोगे तो यहाँ पे 517,152 हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और जो इसका सीपीयू थ्रो रेट है 77% मिला है। और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 214,000 है, एवरेज स्कोर में 177,000 देखने को मिला है। वहीं गीगबेंच स्कोर सिंगल स्कोर हमारा 563 है और मल्टी स्कोर में 2060 जो है देखने को इसके अंदर में मिला है। अब मैं आपको इसका बूट एनिमेशन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट जायफ्रस का। तो कुछ इस तरीके का जो है ये बूट एनिमेशन इसका रहने वाला इस रोम का। तो जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ मिस हो जाता है, कुछ अगर आपको पूछना होगा या फिर कोई रोम भी जैसे कि मिस हो जाता है तो सब कमेंट में आप बता दिया करें। बाकी ये जो है बूट एनिमेशन इसका प्रोजेक्ट जायफ्रस का रहेगा। गेम स्पेस नहीं मिलता बट गेम डैशबोर्ड का आप ज़रूर यूज़ कर पाओगे, ये मिल जाता है गूगल प्ले गेम की तरफ से, तो ये आप यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पे ग्राफिक स्मूथ पे एक्सट्रीम है, बाकी HDR अल्ट्रा तक रहेगा, उसके आगे अनलॉक नहीं है। तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम यहाँ पे खेलने वाले हैं। और गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ज़्यादातर जैसे अभी फिलहाल डिफ़ॉल्ट कलर के साथ सभी रोम में मिलता है, उसी तरीके से इसमें भी आपको बैलेंस परफॉर्मेंस ही मिलने वाला है। ज़्यादा अच्छा नहीं है ना ही ख़राब, ख़राब कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं है, बट बैलेंस में आपको देखने को परफॉर्मेंस इसके अंदर भी यहाँ पे मिल ही जाता है। कुछ ही में है जो कि थोड़ा अच्छा मिल जाता है ज़्यादा, बट इसमें भी आपको बैलेंस वाली ही परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली थी। यही सारी चीज़ें थी जो कि फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को इस बिल्ड के अंदर मिल जाता है। और फर्स्ट बिल्ड है, आगे जो भी चेंजेस होते हैं तो सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे अभी, जैसे कि फर्स्ट में कंप्लीट ज़्यादातर चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश मैं करता हूँ। फिलहाल अभी जो है इस वीडियो में इतना ही था। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।